सौरभ को बुला कर लाओ, वो देखो जा रही है। जी महारानी साहब, हमने उसे सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। वो भिक्षुक स्त्री मिली आपको महारानी साहब? सच पूछिए तो वो आपके लिए देवदूत बनकर आई। ये लीजिए प्रधानमंत्री जी। महाराज, आपने सेवक की लाज रख ली। इतने वर्षों की सेवा में आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? महाराज, मांगा अवश्य था, परंतु उसका प्रबंध हो गया है। इतनी बड़ी राशि का प्रबंध आपने कर लिया? इसका अर्थ यह है कि हमारे राज्य में भी बंगाल के जगत सेठ जैसी हस्तियां मौजूद हैं। महाराज, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब उसकी कृपा से प्रबंध हो गया। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने सेवक की बात का मान रखा। ये तो एक नरेश का कर्तव्य है, आपको कभी भी कैसी भी आवश्यकता हो बेझिझक हमसे कहिए। आप धन्य है महाराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। क्या बात है? हमने अपमान किया था, यदि आपको कुछ पूछा था तो। अच्छा, तो आप ये समझ रही हैं कि आप हमें हरा देंगी? आप हमसे दो बार हार चुकी हैं, यदि जीतना हो तो आपको पुनः हमसे लड़ना होगा। क्या बात है, आपके चेहरे पे वो तेज दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सच्चाई बता भी तो नहीं सकते। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। क्या सोच रही हैं? किसी गहन विचार में डूबी दिखाई दे रही हैं आप। कुछ नहीं,
हम तो आपको आपके जीत पर बधाई देने आ रहे हैं। केवल बधाई? महाराज, मंत्रीगण बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे उठाकर ध्यान से रख दो। ये बिल्ली हमारे वस्त्र ग्रह में कैसे आ गई? हमें लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमें पता लगाना ही होगा आखिर ये सब कौन कर रहा है। क्या बात है लक्ष्मी, आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, आप तैयार हो जाइए, मंत्रीगण बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नहीं चलेंगे? नहीं, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। आप तैयार हो जाइएगा। पता चला? जी महारानी जी, ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई है। ऐसा विष तो बहुत से रसायनों के मिश्रण से तैयार होता है और इसे कोई रसायनों और जड़ी बूटियों का ज्ञाता ही तैयार कर सकता है। इसका अर्थ है इसे तैयार करने में अवश्य किसी वैद्य की सहायता ली गई है। महारानी साहब, पूरे झांसी में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई वैद्य नहीं जिसे ऐसे विष बनाने की जानकारी हो, और मैंने ऐसे प्राणघातक विष बनाने का निर्माण करना त्याग दिया। तो फिर आपके किसी शिष्य ने? नहीं महारानी साहब, इसका ज्ञान न तो मैंने अपने पुत्रों को दिया है और न ही अपने किसी शिष्य को। परंतु किसी को तो पता होगा, अन्यथा ऐसा विष कैसे तैयार किया गया? क्षमा कीजिए महारानी साहब, मैंने किसी को नहीं बताया, केवल मैं जानता हूं और इसकी विधि लिखकर मैंने सुरक्षित रखी है। लिखकर सुरक्षित रख दी? जी महारानी साहब, मैं अपने प्रत्येक शोध और अनुसंधान को लिखकर रखता हूं। कहां कहां लिखकर रखी है आपने? एक पुस्तिका जो इस समय भी मेरे पास है, मेरे 30 वर्षों की साधना की पूंजी जो सदैव मेरे साथ रहती है। से ही पुस्तिका चोरी हुई है और षड्यंत्रकारी भी महल का ही है, परंतु कौन हो सकता है? अति हो गई है, पर एक भिखारन के कारण हमारा और खोले गया। कुब्जा, आग डाल आग।
झांसी वापस आए हैं, आप सबके संग ठीक से समय भी नहीं बिता पाए। आपने हमें इस योग्य ही नहीं समझा। आपने समझने ही कहा दी, जितना भी आपको समझा आपके षड्यंत्रों के माध्यम से ही जाना भी और समझा भी। हमने जो कुछ किया अपनी झांसी के लिए, अब यदि हमारी देवरानी साहिबा इसे षड्यंत्र मानती हैं तो हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। बैठिए, बहुत दिनों के बाद हमारे कक्ष में झांसी की महारानी आई है, कुछ सेवा का अवसर हमें भी दीजिए। आपकी सेवाओं का फल चखते आपके सगे पुत्र बिना किसी को बताए चुपचाप स्वर्ग सिधार गए। मन की प्रास निकाल लीजिए, जी को ठंडक मिल जाती है, और भी कुछ सुना हो तो वो भी कह दीजिए, फिर बातें करेंगे। हुक्का तो आप पीती नहीं, कोई बात नहीं, चौसर खेलते हुए देखा है हमने आपको, चौसर खेला? चौसर नहीं, हम जिससे खेलते हैं वो तो आप कई बार देख ही चुके, आइए उसी से खेलते हैं। वैनी साहब, इस तलवार को देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या कर रही है आप? कुछ नहीं, हमने तो सुना था कि आपको तलवार चलाने और भालों को तालाब में गाड़ने का बहुत अभ्यास है, तो आइए हो जाए एक एक हाथ। इसमें विष है क्या? हमने तो सुना है कि आपको तीरों से खेलने का बहुत अच्छे से अभ्यास है। मलिका साहिबा, इसे हटाइए। महारानी साहिबा, आप ये सब कुछ करने के लिए यहाँ आई है क्या? ये प्रश्न तो आप स्वयं अपने से कीजिए कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। नहीं, खेल रहे हैं, हमें जिससे खेलना आता है उसी से तो खेलेंगे। देखे, क्या है इसमें? अब तक यही खेल तो खेलते आए हैं आप लोग, अब इसे लक्ष्मी बाई खेलेंगे। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हम अपने पति पर अपनी जान देते हैं, और यदि आप लोगों के कारण उन पर एक खरोंच भी आए तो ये तलवार लक्ष्मी बाई के हाथों में नहीं, माँ दुर्गा के हाथों संहार करती दिखाई देगी। ये धमकी नहीं, परामर्श है हमारा। इस परिवार की बड़ी है तो बड़ों की तरह महल में रहिए, अन्यथा
बॉय, इतना जघन्य आरोप लगाने से पहले सिद्ध कीजिए कि ये काम हमारा है। न्यायाधीश भी बिना साक्ष्य के अपराधी को दंड नहीं दे सकते, तो आप क्या चीज हैं? महारानी लक्ष्मी भाई, प्रस्थान कीजिए आप। खुदा की, आपका तो जवाब ही नहीं है सुकुबाई साहिबा। पन्नू साहब, ये क्या कर दिया आपने? इशारों इशारों में उसे ये कह दिया कि ये सब कुछ हमने किया है। तुम दोनों हमारा खेल कभी समझ नहीं पाओगे। उसे ये लगना चाहिए था कि सब हम ही कर रहे हैं, ताकि किसी भी हालत में हमारे प्यादे पर उसका ध्यान ना जाए। अब देखता, अब तो चाहे भगवान भी आ जाए, लेकिन गंगाधर राव को बचा नहीं पाएंगे। और तुम दोनों ऐसे ही तमाशा देखते रहना, इस बार तो दोनों गए। ये तीनों हमें गुमराह कर रहे हैं, अवश्य इस समय नया कुचाग्रह रच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने हमेशा अपने षड्यंत्र को नकार दिया, परंतु इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये चाहते हैं कि हम इन पर संदेह करें। संभवतः ये किसी और को मोहरा बनाकर चाल चल रहे हैं। परंतु वो कौन हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। सुंदर, क्षमा कीजिए महारानी साहब, मैं अभी आती हूँ। कैसे पता लगाए कि वो कौन है? अब क्या करेगा और कैसे करेगा? महारानी अभी तक दरबार में नहीं आई, उनसे कहो कि तात्या जी उनकी प्रतीक्षा कर। प्रधानमंत्री जी, और कितने गांवों से लगान आना शेष है? आप तो जानते हैं कि राजकोष की स्थिति वो। महाराज, कैप्टन रॉस और मेलकम साहब दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय भेजो उन्हें। योर मेजेस्टी, बुंदेलखंडी के राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए आपने टाटा टोपे को सेंड किया, बट सिचुएशन इज स्टिल एज बैड। हमें तात्या टोपे पर संपूर्ण विश्वास है, वो शीघ्र स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे, और यदि आवश्यकता हो तो हम और सैनिक इस कार्य के लिए सीमा पर भेज देंगे। आई होप सो। थैंक यू योर मैजेस्टी, लेकिन ये जल्द से जल्द हो, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे। अभी तक दरबार में कैसे उपस्थित नहीं हुई? महाराज, महारानी अपने कक्ष में नहीं है। महारानी बैठ भी नहीं है।